Okay, I'll see you. परिया क्या हुआ? ये सब क्या चल रहा है? क्या? मैं जिम जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। सुनो, तुम्हें पता है ना वो अच्छा लड़का नहीं है। और तुम किस हैसियत से मुझे ये बता रहे हो? किसी की जिंदगी तबाह होने से बचाने के लिए कोई रिश्ता होना जरूरी नहीं है। अरसलान, वो जो हमारी रिसेप्शनिस्ट है ना अक्सा, उसका मियाँ उसे रोज मारता है, तलाक की धमकियां भी दे रहा है। अपना सोशल वर्क जो है ना वहां पे अप्लाई करो, मेरी जान छोड़ दो। गॉट इट? मैं लेट हो रही हूँ, बाय। सॉरी अरसलान, मैं आपको कॉल करना भूल गई, लेकिन आप आने से पहले मुझे कॉल कर देते। क्या बात है, सब खैरियत तो है? मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी, आप नाराज तो नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। मैं आज रात यहाँ रुकना चाहती हूँ, रुक जाओ। कोई मसला तो नहीं है ना? वो मेरा मतलब है कि आप मम्मी को समझा देंगे ना? सानिया, तुम क्यों डर रही हो? और मम्मी तुम्हें यहाँ रुकने से क्यों रोकेंगी? लेकिन आखिर बात क्या है? आप ही अकबर भाई से लड़कर घर पे आ गई हूँ। क्या लड़कर? अस्तक बोले, सुन लेंगी, वैसे भी बहुत गुस्से में है। अच्छा देखो, मेरा इस तरह इस फैमिली मैटर में पड़ना ठीक नहीं लग रहा मुझे, मैं जाऊँ घर। नहीं, अकबर भाई आने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी बात हो आपके सामने हो। लेकिन बात है क्या? देखो फुरकान बेटा, अगर तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ ना, तो मैं उसका नाम तुम्हारे मरहूम दादा के नाम पे रखूंगी, यानी वली खान। और अगर बेटी हुई ना, तो उसका नाम मैं रखूंगी अफशां। दादो, नाम कुछ ओल्ड फैशन नहीं है? इस तरह का नाम तो पाकिस्तानी ड्रामास में हीरोइंस के होते थे पहले। और हीरोइन भी वो जो दो चुटिया बनाकर कॉलेज जाती हो। दरअसल बेटा, वसीम से पहले भी ना मैं एक बार उम्मीद से हुई थी, सोचा था बेटी होगी, लेकिन अल्लाह को शायद कुछ और ही मंजूर था। ऐसा भी क्या हो गया था दादो? बस क्या करूं बच्चे, पांचवें महीने में ही मिसकैरेज हो गया था मेरा। क्यों? मेरा मतलब कैसे? कभी बेटा अल्लाह की मर्जी और कभी बंदों की करनी।